भक्तों के हृदय में सीताराम जी के झांकी का दर्शन करते हुए कहना है, किसी राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम, सूर जोग पानी। यहाँ पर भक्ति स्वरूपा बहन शक्ति स्वरूपा माता उनके स्वरूप में मैया जानकी का दर्शन हो रहा है। पिता तुल्य हमारे भाईगण उपस्थित हैं, इनमें भगवान श्री राघव का दर्शन करते हैं और ये अपने पावन श्री राम कथा आज हम सब फिर इसी गंगा में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। परंतु इन कथा के बीच में या कथा में मुझसे कोई भी प्रकार की गलती हो जाए तो अपने घर का एक छोटा सा अज्ञान बालक समझ के आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आप कहते होंगे आपको शक्ति दिखती है, आपको भक्ति दिखती है, आपके अंदर अनुभव होगा। मेरी उम्र देख के आपको लगता होगा कि मुझ में कितना भी अनुभव होगा, लेकिन आप सबका प्रेम है कि ये पावन श्री राम कथा श्रीमद् भागवत कथा मेरे मुखारविंद से निकल रही है। इसलिए मेरे माई बाप 5 मिनट प्रया के जैसे राघव के चरणों में अपने मन को देते हैं, वाणी को देते हैं, तन को देते हैं, जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा कथा अच्छी से अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो 5 मिनट संकीर्तन सभी भाव से करिए। बोली अवधि की राज दुलारी की जय, ओ जय जय सिया राम भरत प्रिय राम, जय जय सिया राम भरत प्रिय राम, भरत प्रिय राम लखन प्रिय राम, भरत प्रिय राम सभी बोलो लखन सिया राम, जय जय सिया राम भरत प्रिय राम, जय जय सिया राम भरत प्रिय राम, कौशल्या प्रिय राम सुमित्रा
कि हम सभी एकत्रित होकर के बड़े प्रेम और भाव के साथ कीर्तन करते हैं। सरकार ओ प्यारे बाबा जी, आप अगर कृपा कर देंगे ना
मुझे लगा हनुमान जी का दर्शन मिल गया हमें। बहुत बड़ी कृपा है गोविंद की। देखिए आप कहीं भी कथा में जाते हो ना, तो आप केवल कथा को श्रवण कर पाते हो, लेकिन ये कथा जो भगवान की प्रेम वाली कथा है, जो हम सब पिछले वर्ष से सुनते आ रहे हैं, यहाँ पर कितनी माताएं अपने दुख सुख सब बताती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सच में भगत है। एक साथ कथा सुनने आती हैं, एक साथ जाती हैं, कितना आनंद ये लोग लुटाते हैं। यही तो है जीवन, यही तो है कथा। कथा का मतलब क्या है भैया? कथा का मतलब, अच्छा कथा का उल्टा कर दो। कथा का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो? थाक। जहां पर जिस पंडाल में जाने से हमारे जीवन की थकावटें दूर हो जाए। थकावट का मतलब ये नहीं कि हम गृह कार्य कर लिए हैं कुछ ज्यादा तो हम आएंगे तो बढ़िया, हमारा पैर नहीं दर्द करेगा, हाथ नहीं, सर नहीं दर्द करेगा। थाक का मतलब ये है मैया कि आप जो दिन भर रात भर चिंताएं करती हो कि कैसे क्या होगा, बेटी बड़ी हो रही, शादी करनी है, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ नहीं रहा, जो उलझे रहते हैं हम आपस में, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए वो थकावटें दूर हो जाती हैं। वहां अपने मन को हम ठाकुर जी को अर्पण कर देते हैं। जहां पे जाने से हमारे जीवन की थकावट मिट जाए, वही तो है ना कथा। और ये कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कथा में हम आते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, तो एक नियम और बनाना है। क्या पता है? केवल जब तक कथा चलती है तभी तक आपके अंदर भाव दिखते हैं। कथा विराम हुई, हम सब अपने धाम को गए, आप सब फिर भूल जाते हो। एक नियम बना लो, एक रूल बना लो। जैसे आपके बच्चे की विद्यालय जाने का टाइम है ना कि 3 बजे, या फिर हमारा बच्चा 10 बजे क्लास नहीं जाएगा, विद्यालय नहीं जाएगा तो गेट बंद हो जाएगा, है ना? उस प्रकार एक नियम बना लो, एक रूल बना लो कि मुझे 5 मिनट